मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने दो दिवसीय दौरे पर उज्जैन आए थे। वे यहां पर आगर जाते समय घटिया विधायक रामलाल मालवी के निवास पर रुके और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। घटिया विधानसभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा रामलाल मालवी के नेतृत्व में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह पूरे प्रदेश के दौरे पर निकले हैं और खासकर उन सीटों का वह आकलन कर रहे हैं जहां पर कांग्रेस पिछली बार कम अंतर से आंकी गई थी, जहां यहां पर भीतर घात हुआ था। वह कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी कर रहे हैं। अपने दो दिवसीय दौरे पर दिग्विजय सिंह उत्तर और दक्षिण विधानसभा के अनेकों कार्यकर्ताओं और दावेदारों से मुलाकात की। शनिवार की शाम वह आगर जाने से पहले इंदिरानगर स्थित घटिया विधानसभा के विधायक और उनके कट्टर समर्थक रामलाल मालवीय के घर पहुंचे। यहां पर सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत के दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को कहा कि अब समय आ गया है, एकजुट होकर हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना होगा, तभी हमारी सरकार बनेगी। किसी एक को मिले हम केवल हाथ के पंजे के निशान को देकर उस प्रत्याशी को विजय बनाना है। उन्होंने रामलाल मालवीय की प्रशंसा की और कहा कि वह बहुत सज्जन और सरल व्यवहार के विधायक है। कार्यक्रम के समापन के पश्चात मुझे आगर के लिए रवाना हो गए। सर माननीय राजा साहब परसों भी घटिया होके निकले थे और आज भी घटिया से वापस जा रहे हैं, तो हमने घटिया विधानसभा के हमारे सभी कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय राजा साहब का हमने कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार उनका सम्मान स्वागत रखा है, सब लोग मुलाकात हो जाएगी। चुनाव में लगभग 6 महीने से भी कम का समय बचा है, किस तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है इस बार चुनाव में? कांग्रेस की जो तैयारी राजे साहब ने आपने कल देखा, कितनी तैयारी आपके सामने बताई, क्या उम्मीद है इस बार किस तरीके से सरकार बनाने के? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने,